केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बेइंतहाशा बढ़ती जा रही है, इससे आम लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। रोजाना ही कुत्ते काटने के मामले सामने आने के बाद आज मोहनपुरी क्षेत्र के बाशिंदों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ये लोग कुत्ते भगाओ इंसान बचाओ के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा इन्होंने नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इन कुत्तों को पकड़ने का विरोध करते हुए शिकायतकर्ताओं से मारपीट करते हैं। इसके अलावा वे लोग छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए फंसाने की धमकी भी लगातार दे रहे हैं। मोहनपुरी में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो गाय का दूध निकालकर उन्हें आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं। जिलाधिकारी ने इस पर नगर निगम को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। देखिए, कार्रवाई नहीं करी, उल्टा वो हम लोगों को धमका रहे हैं। बताओ, सिविल लाइन थाने में टैरिट दे रखी है हमने उनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में टैरिट दे रखी है। मोहनपुरी के अंदर तो सबकी नॉलेज में है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, थाने में हमने टैरिट दे रखी, करो खिलाफ कार्रवाई। इस बारे में भाजपा पार्षद उत्तम सैनी ने यह जानकारी दी। मेरा नाम उत्तम सैनी है, मैं मोहनपुरी क्षेत्र से पार्षद हूँ। मोहनपुरी के अंदर लगातार कुत्तों द्वारा, छोटे हों, बच्चे हों या बड़े हों, सबको इतना उनका आतंक है कि वो सब लोगों को काट रहे हैं। और जब उन लोगों की हम शिकायत नगर निगम के अधिकारी को करते हैं, तो उसके बाद जब टीम आते हैं तो कुछ जो वहाँ पर पशु प्रेमी हैं वो उस टीम का विरोध करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं और फिर क्षेत्र के लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं कि अगर तुमने आज के बाद कंप्लेंट करी तो हम तुम्हें मार देंगे। लड़की है तो वो छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की धमकी देती है। तो लगातार ऐसी घटनाएं पूरे क्षेत्र के अंदर, आज कुत्तों का इतना आतंक है कि छोटे बच्चों को आज स्कूल भेजने के लिए पब्लिक ने मना कर दिया है। दूसरा, हमारे जितने भी सफाई मित्र, स्वच्छता मित्र, आज भी एक हमारे स्वच्छता मित्र को सुबह काटा गया, तो उन्होंने भी, स्वच्छता मित्रों का भी कहना है कि अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हम क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे। तो शिवाजी पार्क हो या न्यू मोहनपुरी हो, हनुमानपुरी हो, पूरे क्षेत्र के अंदर ये हालात हैं। आज इंसानों से ज़्यादा सड़कों पर कुत्ते देखते हैं। अगर आप रात को 8 बजे निकल जाओगे तो पूरा का पूरा झुंड, 30-30, 40-40 कुत्तों का झुंड सड़कों पर दिखाई देता है। कोई आदमी निकल रहा तो उस पर हमला कर दिया, उन कुत्तों का हमला कर दिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।